नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपका है मेथडोलॉजी फॉर सीलिंग ऑफ वाटर प्रेशर रिलीज पाइप ऑफ राफ्ट। मतलब राफ्ट का जो है उसमें जो है आपको जो है प्रेशर रिलीज पाइप जब दिया जाता है जिससे होकर आपको जो पानी आता है उसको सीलिंग कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों कि आप लोग कुछ इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा यार प्रेशर रिलीज पाइप की बात करिए कि है क्या। तो दोस्तों आपको याद दिला दूँ, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं आपका आई बटन में देखिए वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है कि ये जो है वाटर प्रेशर रिलीज पाइप जो है राफ्ट में क्यों दिया जाता है। आप उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और वो मेरा वीडियो देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि राफ्ट में जो है वाटर प्रेशर रिलीज पाइप क्यों दिया जाता है। अगर वो आप देख लिए तो वो तो उस वक्त आपको जो पानी आएगा, अब उसको जब जो कंस्ट्रक्शन काम हो जाएगा उसको तो बंद तो करना ही पड़ेगा, सीलिंग करना पड़ेगा, तो उसको सीलिंग कैसे करना है? तो उसको आज हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जो है वाटर प्रेशर रिलीज पाइप देते क्यों है। तो अगर आप मेरा वो जो पिछला वाला वीडियो अगर देख लेंगे उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम जो है थोड़ा सा जो है इसमें संक्षेप में हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली क्या था कि वाटर प्रेशर रिलीज पाइप देने का कारण क्या था, जब हम लोग जो है बेसमेंट देते हैं मतलब कि ग्राउंड फ्लोर लेवल से 10 से 15 मीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से मेरा जो है पानी का पाइप पानी प्रेशर का पाइप आना शुरू हो जाता है। ये देखिए ये मेरा हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम 10 मीटर से प्लस गए नीचे उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर वाटर का जो प्रेशर जो है आने लगेगा। तो इसी प्रेशर को जो है रिलीज करने के लिए जब हम राफ्ट फाउंडेशन करेंगे तो हम लोग जो है क्या करते हैं दोस्तों प्रेशर रिलीज पाइप देते हैं। देखिए जरा सा, जैसे मान लिया कि ये मेरा पूरा वाटर का जो एरिया हो गया, पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर रिलीज पाइप जो हम लोग इसमें डालते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना देते हैं जिससे कि आपको देखने में क्लियर रहेगा। और ये आपका डाया रहेगा दोस्तों, पाइप डाया रहेगा 25 mm। ये क्लियर है दोस्तों। अब क्या है बेसिकली इसमें जब आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उस समय क्या होगा ना कि इस हो करके जो है पहले आप जो है पीसीसी कर दिए पीसीसी के बाद आप जो है राफ्ट करेंगे। राफ्ट ये हो गया, ये एरिया हो गया आपका राफ्ट का। तो अब पीसीसी के समय ही जो है इसको लगाना होता है, लगाने का प्रोसेस सब मैं बता दिया हूँ। इसके एक पाइप लगा देंगे, जब राफ्ट भी करेंगे पीसीसी करके फिर राफ्ट करेंगे तो जैसे जैसे आपका जो है बिल्डिंग का लोड आते जाएगा इस हो करके जो है इधर वाला जो पानी वाटर का जो है इस हो करके आपका जो है निकलते जाएगा। मतलब जैसे जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो है लोड आते जाएगा पानी का प्रेशर जो है ऊपर आते जाएगा और इससे होकर जो पानी निकलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस जगह पे अगर प्रेशर रिलीज पाइप नहीं देते तो उससे क्या होता, आपका ये जो राफ्ट आपका जो है पानी के प्रेशर से पूरा क्रैक हो जाता। तो मतलब मेरा कहने को हो गया जब आपका बिल्डिंग का जो है 80% लोड आ गया तब जा कर के आप इसको जो सीलिंग कर सकते हैं। तो सीलिंग करने का प्रोसेस क्या है आपको बता देता हूँ, सिंपल है। इसमें आपको सीमेंट और वाटर का सलरी बनाना, सिंपल सा प्रोसेस क्या है आपका। पहला क्या करेंगे हम जो है सीमेंट और वाटर का सलरी बना देंगे। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या करना है एडमिक्स सलरी में जो है अगर हम जो है 1 बैग का बनाते हैं
वन बैग का बनाते हैं तो इसमें और क्या क्या ऐड करेंगे, 400 ग्राम, 400 ग्राम ऐड करेंगे हम लोग एडमिक्स, ये आपका जो है पाउडर की तरह रहेगा, ठीक है। और इसमें प्लस और क्या करेंगे, 225 ग्राम सीबैक्स। अब ये दोनों ऐड क्यों करते हैं, ऐड करने का रीज़न क्या है कि आपका ये जो है ये अगर ऐड करेंगे तो इसका है क्या है कि ये आपको सर्दी को जो है तुरंत उसको जो है हार्ड कर देगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पानी का सोर्स है, अगर आप इस होकर के जो है उस सर्दी को डालेंगे तो आपका नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि ये वाटर का सोर्स है, तो इसमें इसलिए जो एडमिक्स और सीबैक्स डाला जाता है। वन बैग सीमेंट मतलब 50 kg में, 50 kg में 400 ग्राम एडमिक्स और 225 ग्राम सीबैक्स डालना ही है। और ये आपका किसका आएगा, हम एक प्रोडक्ट का नाम बता देते हैं, पेनिट्रॉन का, पेनिट्रॉन का आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, इसको भरना कैसे, अब तो मैनुअल तो आप डाल नहीं सकते हैं, उसके लिए जो है आपको जो है प्रेशर इंजेक्शन मशीन लेना पड़ेगा, जो कि आप क्या करेगा, प्रेशर इंजेक्शन मशीन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पे ये हो गया, मान लिया जाए कि आपका दोस्तों ये प्रेशर इंजेक्शन मशीन ये रहता है ऐसे, और यहाँ पे रहता है ये मशीन, और ये जो है आपका यहाँ से जो है इसको प्रेशर, इसको दबाने से आपको इसे प्रेशर पड़ता है। तो एक इसका पाइप होता है दोस्तों, एक पाइप जो आपका जो यहाँ लगा रहेगा, जो कि ये बाल्टी से सलरी, बाल्टी में जब सलरी रखेंगे उसको खींचेगा, और दूसरा पाइप आप इसमें जिसमें लगा दीजिए, दूसरा पाइप इसमें लगा दीजिए, और इसको ट्यूब से पूरा बांध दीजिए जिससे कि कुछ ना हो, मतलब ये सर बाहर ना गिरे, ट्यूब से इसको बांध दिए, और यहाँ से इसको जो है हैंडल से प्रेशर दे करके इसको भरते रहिए। तो वो क्या होगा आपका दोस्तों, तो जितना प्रेशर आप इसको प्रेशर से भरते रहेंगे तो ये सीमें सलरी जो है नीचे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जो पानी का जहाँ तक सोर्स है, पानी का आपका जहाँ तक सोर्स है जिधर से निकल रहा है, चाहे उधर हो चाहे इधर हो जिधर हो, वहाँ तक आपका पूरा फुल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है बंद होते जाएगा, ये आपका बंद हो गया। तो इस तरह से आप जो है प्रेशर इंजेक्शन मशीन से जो है इसको जो आप जो है बंद कर सकते हैं, मैनुअल आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़रा इसको याद रखिएगा। ये बंद हो गया, तो अब ये एडमिक्स और सीबैक्स मिलाएंगे तो ऑब्वियसली कि ये जो है आपका जो तुरंत जो है ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और ये इसको सील करते जाएगा, ये पूरा पाइप को सील करते जाएगा। तो अब बात करते हैं, जब मेरा ये जो है ये मेरा जो बेसमेंट का मान लीजिए लेवल है, ये जो फिलिंग बाद में हो जाएगा ये मेरा बेसमेंट का लेवल है, तो इसको मुझे क्या करना है, बेसमेंट में भी पीसीसी जब करते हैं यहाँ पे, तो उससे पहले ही जो है मुझे जो है इस लेवल तक इसको जो है काट देना है, यहाँ से इसको जो है काट देंगे। तो इस तरह से ये तो बाद की बात हुआ, आज का जो मेरा प्रोसेस था इसको जो है सील कैसे करना, सील करने का प्रोसेस मैं बता दिया, ये एक प्रोसेस है जिस हिसाब से आप जो है प्रेशर रिलीज पाइप को जो वाटर प्रेशर रिलीज पाइप को आप जो सील कर सकते हैं, और एकदम तो जो से सलड़ी के यूज से, और इसमें जो है एडमिक्स और सीबैक्स यूज करना है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको एक नया आइडिया भी मिल गया कि इन केस अगर आप जो है कोई बिल्डिंग में बेसमेंट बनाते हैं, अगर वहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो प्रेशर रिलीज पाइप जो कैसे फिक्स करना है, ये भी आप क्लियर हो गए। और ये जो आपका जो है एरिया के हिसाब से अगर हम मोटा मोटी ले तो 4 मीटर बाय 4 मीटर के एरिया में जो आप जो इसको फिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा दूर भी मत कीजिएगा, तो ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो और अच्छी है, लेकिन नज़दीक करने उसको मतलब नहीं, 4 मीटर बाय 4 मीटर कर दीजिए काफ़ी है। तो इस तरह से आप जो है एक नया चीज़ आपने सीख लिया कि इसको जो सील कैसे करना है और क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप बेसमेंट में अगर दे रहे हैं, अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा,
अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, आप जो है बेहिचक जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उसको क्लियर करने का। ठीक दोस्तों, और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए ज़रूर उसको लाइक कर दीजिए, और ये जानकारी जो है अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब हम कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।